जारी रहेगी और कल भी बैठक हो तो प्रयास इसी बात का है कि सभी जिला के साथी बोल ले, महत्वपूर्ण साथी बोल ले, इसलिए दो दिनों की बैठक रखी गई। इसमें बैठने में फिर हम कहेंगे कि आपको कठिनाई होगी, लेकिन आपसे आग्रह यही है कि आप शांति बनाकर रखिएगा, तब विमर्श में हिस्सा ले पाएंगे। अलग अलग साथी टेलीफोन के माध्यम से बहुत सारे साथी मिलकर, बहुत सारे साथी सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों के संपर्क में रहे आप ही में से, तो अलग अलग जो अपनी बात आप हम लोगों तक पहुंचाते रहे। पटना में हम साथ करने वाले सभी नेताओं ने, साथियों ने मिलकर विमर्श किया कि अलग अलग जो साथी संपर्क करके अपनी बात कहने का प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं, उनके साथ बैठकर एक बार सामूहिक रूप में बात हो जाए, तो इसलिए हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल इत्मीनान से आप रहिए, इनके भोजन का भी इंतजाम साथियों ने किया है, शाम में चाय भी मिलेगी आपको, रात का भोजन भी मिलेगा, कल सुबह का नाश्ता भी मिलेगा, कल दोपहर का भोजन भी मिलेगा, तो इंतजाम है। लेकिन बीच में कोई साथी नारा नहीं लगाए, दूसरा साथी कोई बोल रहा हो तो बाकी साथी बीच में आपस में बात नहीं करेंगे, मतलब पूरे तौर पे व्यवस्थित तरीके से बैठक चले। यहां से आपने अभी सुना ही कि अध्यक्षता के लिए अध्यक्ष मंडल का प्रस्ताव आया, आप सब लोगों ने ताली बजाकर समर्थन किया कि बैठक की अध्यक्षता एक अध्यक्ष मंडल करेगा। अध्यक्ष शामिल है पूर्व विधायक और पार्टी की प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष डॉक्टर रणविजय सिंह जी, इसमें शामिल है जितेंद्र नाथ जी पार्टी की प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष, शामिल है सुभाष कुशवाहा जी पार्टी की प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष, शामिल है रमेश कुशवाहा जी पार्टी के विधायक रह चुके हैं सिवान जिला में, और रेखा गुप्ता, श्रीमती रेखा गुप्ता जी जो पार्टी की प्रदेश इकाई की उपाध्यक्ष हैं। इतने पांच लोगों का अध्यक्ष मंडल है जो शामिल है। अध्यक्ष मंडल इस बैठक की अध्यक्षता करेगा। अब अध्यक्ष मंडल के लोग मिलकर किसी साथी को संचालन की जवाबदेही देंगे, कैसे करेंगे इनका विषय है। यहां से जिस साथी का नाम पुकारा जाएगा वही साथी अपनी बात रखेंगे, जिनका नाम नहीं पुकारा जाएगा बीच में नहीं बोले, आपस में भी बात नहीं करेंगे। हाँ, जिनका नाम यहां से पुकारा जाए बोलेंगे, और किसी साथी को लगे कि मेरी बात भी इस बैठक में जानी चाहिए, तो यहां से लोग आपसे कहेंगे कि आप अपना नाम दीजिए, तब आप अपना नाम ही पर्ची पर लिखकर दीजिएगा, तब दीजिएगा जब यहां से माना जाए, तो उस तरीके से भी आप बैठक के विमर्श में शामिल हो सकते हैं। तो जो भी तरीका है, यहां प्रेसिडियम के लोग अध्यक्ष हैं, मंडल के लोग बनाएंगे, उस तरीका में आप शामिल होकर अपनी बात आज से लेकर कल तक रखिएगा। और बात रखने में एक बात का और आग्रह है,
बात जो आप कहना चाहते हैं टू द पॉइंट कहिएगा, क्योंकि लंबा भाषण देने लगिएगा तो फिर वक्त, इतने सारे लोग हैं अब सब लोगों को तो खैर दो दिन में मौका नहीं मिल पाएगा, उस तो स्क्रीनिंग करनी ही पड़ेगी, लेकिन फिर भी प्रयास तो इस बात का रहेगा ही कि अधिक से अधिक लोग भाग ले लें, तो इसमें भी आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग का मतलब यही कि जब आपको मौका मिले यहाँ से बुलाया जाए कि आप बोलिए, तो उस वक्त आप बिल्कुल जो बात आपको कहनी हो सीधे टू द पॉइंट कहिए। उसमें माननीय अध्यक्ष जी ही कहकर आगे बढ़ जाइए, यहाँ बहुत सारे नेता हैं, सब लोगों का नाम लेने लगिएगा संबोधन में, तो उसी में 4-5 मिनट लग जाए, तो समय बचाना, अपनी बात टू द पॉइंट कहनी है ताकि और लोगों को मौका मिल जाए। तो इस बात का भी ध्यान रखते हुए साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा कि दो दिन में इतने सारे लोग हैं, हमसे कई गुना ज्यादा संख्या में बाहर लोग होते हैं, अब सब लोग चाहेंगे कि हम सब लोग भाषण दे लें अपनी बात कहें, तो दो दिन में कतई संभव नहीं, उस तो स्क्रीनिंग की जरूरत मजबूरी हो करना ही पड़ेगा। तो तमाम तरह से रिकमेंडेशन के बाद भी, प्रयास के बाद भी किसी साथी का नाम अगर अंत तक नहीं बताया जा सका उसको भी पूरा मत मानिएगा, पूरा मत मानिएगा, छूट जाइएगा बातचीत में कब तक भी, क्योंकि कुछ लोग तो छूटने ही व्यवहार की दृष्टि से सभी बोलने का संभव नहीं, तो उनके लिए भी गुंजाइश साथी बनाएंगे, लिखकर भी अपनी बात की जा सकती है। मेरे कहने का मतलब है कि आप सब लोग मिलकर सहयोग कीजिए, बैठक सुचारू ढंग से चले, इसमें आपका सहयोग जरूरी है। साथ ही साथ जो मीडिया के बंधु हैं, मैं इनसे भी कुछ आग्रह करना चाहूँ, आप सब लोगों का भी सहयोग चाहिए, आपने सहयोग किया है जनता के मुद्दों को, जब जब हम लोगों ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया जनता के सवालों पर आप सब लोगों ने साथ दिया है उसको आगे बढ़ाने में, इसके लिए मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आपसे भी अपेक्षा है कि आज की बैठक के संचालन में आपका भी सहयोग चाहिए। सहयोग का मतलब जिस अपेक्षा की गई